जनपक्षधर कानूनों बहसों को जब एक सिरे से खारिज करने का दौर चल रहा है और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मानवाधिकार पर बात करने वालों को देशद्रोही साबित करना अपना मिशन मान चुका है, ऐसे में आईपीसी की का सेक्शन 377 को रद्द करना यानी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की दशकों पुरानी लड़ाई के साथ मीडिया का खड़ा होना एक सकारात्मक स्वर की तरह दिखाई देता है। और इस सकारात्मक स्वर को सलाम करते हुए न्यूज क्लिक की तरफ से खबरची भाषा के साथ मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। We are against the death penalty. They pick up emergency आधारित हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह। दशकों की अथक मेहनत और धारा के विपरीत लड़ते हुए एलजीबीटी समूहों ने भारतीय जनमानस, मीडिया और सरकार को उनके अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। समाज में जिनके बारे में सबसे गंदे और अश्लील ढंग से सोचा जाता रहा, मजाक उड़ाया जाता रहा, वे समलैंगिक लोग आज सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में फैसला कराने की स्थिति में पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार जो बातें कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो उसके समर्थन में उतरेगा। कम से कम सरकार भी अगर हाँ नहीं कह रही तो ना नहीं कह पा रही है। And the question we're really looking at today as we're actually on the cusp of what could be a really historic judgment is whether over the years our political class in particular has disappointed the LGBT community. यानी वो खुल के नहीं कह पा रही है कि वो इस समूह की मांग के विरोध में है। ऐसे में जो ये लंबा संघर्ष चला है, भारतीय मीडिया की भूमिका इसमें सराहनीय पहले भी थी और आज भी दिखाई दे रही है। कम से कम आज तमाम अखबार, टीवी न्यूज़ चैनल जिसमें रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, आज तक, एबीपी, यानी तकरीबन सारे के सारे लोग इन मांगों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सेक्शन 377 का खात्मा ज़रूरी है। इस तरह से हमें दिखाई देता है कि जो समाज का सोचने समझने वाला तबका है, जो बुद्धिजीवी है, जो मीडिया है, वह तकरीबन यह मान रहा है कि इस धारा का समाप्त होना ज़रूरी है, समलैंगिक समाज को बराबरी का अधिकार मिलना ज़रूरी है और उनके खिलाफ जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इतने लंबे समय तक होता रहा उसका खात्मा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई में यह साबित हुआ कि अगर आप मजबूती से खड़े रहें, हिले नहीं, डरे नहीं, तो अंततः समाज को मजबूर होकर ही सही लेकिन मानना पड़ता है। और ख़ास तौर से यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो समलैंगिकता की मांग है, उसे बराबरी का अधिकार दिए जाने की मांग है, ये हमारे जो टिपिकल समाज है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मनीवादी सोच है, उसके खिलाफ है, उससे टक्कर लेता हुआ है। यहाँ ये मांग हो रही है कि यौन संबंधों में चुनाव का अधिकार होना चाहिए और राइट टू प्राइवेसी में जो जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी इसको करीब करीब एस्टैब्लिश किया गया। इस बीच जियो इंस्टीट्यूट को एमिनेंस टैग दिए जाने की खबर भी मीडिया में सनसनी की तरह रही। एक नाम हम लेते हैं, जरा इसे खोजने की कोशिश कीजिए, जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। पूरा नक्शा खोज डालिए, देश की जमीन पर घूमते रह जाइए, जगह जगह जाइए, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा। बात साफ है, चूंकि मामला सीधे मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ था जिनका मीडिया पे कब्जा जग जाहिर है, लिहाजा सीधे सीधे इस पे ना एक्सक्लूसिव काटा गया, ना संपादकीय हुए। एक दो टीवी चैनल को छोड़ दें जिन्होंने कम से कम कुछ इस पे डिबेट किया, बाकी तमाम ने इसे प्राइम टाइम डिबेट लायक तक नहीं समझा। इस बारे में इकोनॉमिक टाइम्स की एक में जो एक खबर छपी उस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें अनुभूति विश्नोई ने बताया कि किस तरह से खुद मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन की टीम सरकारी कमेटी से मिली थी जिसके पास देश के 6 बड़े इंस्टीट्यूट को एमिनेंस चुनने का जिम्मा था। ध्यान दीजिए, खुद मुकेश अंबानी के नेतृत्व में। मुकेश अंबानी की इस टीम में शामिल थे मानव संसाधन मंत्रालय के पूर्व सचिव विनयशील ओबराय। विनयशील 2016 में मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव थे और उसी समय वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट प्रोग्राम की घोषणा हुई थी। इस योजना के डिटेल पीएमओ और एचआरडी के साथ लंबी मशक्कत के बाद फाइनल हुए थे। क्या लिंक है, क्या कनेक्शन, और इसके बारे में कितना कम
ज्ञान बांटा मुख्य धारा के मीडिया ने, जो सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी कि जो संस्थान अभी पैदा नहीं हुआ, जमीन पर नहीं उतरा, उसे इंस्टीट्यूट और एमिनेंस का टैग कैसे दिया गया, उसके पीछे क्या कहानी थी, इस अंतर कथा को बताने के लिए कोई मीडिया तैयार नहीं हुआ। दिल वाकई कहने पे मजबूर हो जाता है, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, जियो हो देश के लाला। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और बाकी जो चैनल्स हैं जो मुख्य धारा में उस तरह से अपनी जगह नहीं बनाते हैं, लेकिन उनकी पहुंच इंटरनेट के जरिए तमाम जगहों पर है, उन्होंने जरूर केंद्र सरकार के इस फैसले की खूब खिल्ली उड़ाई, खूब कार्टून बने, लेख लिखे गए, जोड़ा गया किस तरह से अंबानी और मोदी के जो पुराने रिश्ते हैं और जो अभी तक चले आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा हुई। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसका जो कमिटमेंट था वह पूरा हो गया। जियो इंस्टीट्यूट का असर भी दिखाई दिया। खबर आ रही है कि रिलायंस समूह ने 2019 के चुनाव को जीतने के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए इलेक्शन बॉन्ड में बीजेपी को देने की शुरुआत कर दी है। मीडिया में इस कनेक्शन को, जिसे हम भ्रष्टाचार तो नहीं मानते, लेकिन इस स्वीट डील की पड़ताल हमारा आपका मीडिया कितना करेगा, इस पर मुझे लगता है किसी को ज़्यादा संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मालिकाना है, जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज है और जो पॉलिटिकल कनेक्शन आपको दिखाई देता है वो बहुत साफ है। और जियो इंस्टीट्यूट को मिलने वाले इस टैग ने इसे बेपर्दा कर दिया है। लेकिन मुकेश अंबानी वाली जो अंतरकथा है उसे लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचना चाहिए कि खुद एक देश में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास सारा मालिकाना है, उसे भी एमिनेंस टैग की ज़रूरत क्यों है। उस एजुकेशन के फील्ड में इतनी बड़ी मशक्कत करने की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी, और साथ में कौन लोग गए, और इस तरह की जो हॉबनॉबिंग है, अभी हमने हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट कि जो जज रिटायर होते हैं किस तरह से उन्हें तुरंत ही बहुत जगह मिल जाती है, किसी के चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं के हेड बन जाते हैं, और जो चुनौती देने वाले जस्टिस चलमेश्वर जैसे लोग हैं वो गांव देहात में जाकर बैठते हैं। इन तमाम गड़बड़ घोटालों के बीच देश प्रेम, कश्मीर से नफरत, एंटी मुसलमान कवरेज का भी बहुत बोलबाला रहा। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम खुलकर मीडिया ने खेला। शरिया कोर्ट के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ खुलकर जहर उगला गया। रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ ने शरिया कोर्ट शॉकर, नो शरिया, इस तरह के तमाम कार्यक्रम चलाए। My country's constitution does not allow it and will never allow it, Paracha. Let it be made clear to you and all the supporters of the Sharia court system. वहीं आज तक ने दिखाया हिंदुस्तान में फिर पाकिस्तान बनाना है, क्या मुसलमानों को अलग देश की जरूरत है। यानी इस तरह का माहौल बनाया गया मानो भारतीय मुसलमान एक अलग देश दुनिया बनाना चाहते हैं। इस तरह का डर, एक मेजॉरिटी को डराने के लिए माइनॉरिटी का डर दिखाने का काम मीडिया ने बहुत शर्मनाक ढंग से किया। कर रही अदालत भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश। जो कचहरी है, कोर्ट है, वो इस देश को बांधता है। तो चाहे जिला, गाँव, शहर, कोई भी जगह हो, शरिया कोर्ट की कोई स्थान नहीं है। शरई अदालत के खिलाफ फतवा कब? जबकि हकीकत यह थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि वह आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट के तहत सिर्फ आर्बिट्रेशन सेंटर शुरू करना चाहते हैं देश भर में, ताकि जो लड़ाई झगड़ा टकराव है उसे जल्द निपटारा किया जा सके। अब देखिए इसके आधार पर किस तरह का एक नफरत का माहौल पूरे देश भर में फैलाने की कोशिश टीवी चैनलों के जरिए की गई। किस तरह से इस खबर पर यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में फिर पाकिस्तान बनाना है या मुसलमानों को अलग देश बनाने की जरूरत है। ये सारी जो खबरें हैं ये बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रही हैं, और वहां पर मुसलमानों के खिलाफ जो पहले से बायस है उसे एक नफरत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आप देखिएगा कि कश्मीर तो खैर भारतीय मीडिया के लिए किस तरह से एक TRP हासिल करने वाला या देशद्रोही और देश प्रेम के बीच में जो टकराव है इसे साबित करने के लिए सबसे बड़ा औजार बना हुआ है, खास तौर से जब से भाजपा ने वहां से समर्थन वापस लिया है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।
उसके बाद से आप पाइएगा कि खबर में जब भी कश्मीर आता है, और खासतौर से अभी देखिए तमाम टीवी चैनल्स ने किस तरह से दिखाया, अब तक 56 के अंदाज पे अब तक 101, और उसे गर्व से बताया कि किस तरह से आतंकियों का सफाया हो रहा है, जबकि कश्मीर में इतना दुख दर्द है, उसे पूरा ब्लैकआउट किया गया है। कश्मीर पर कोई खबर कश्मीर की धरती के पक्ष में नहीं हो रही, वहां के लोगों के पक्ष में नहीं हो रही। लगातार बताया जा रहा है कि एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, वो देश को बचाने के लिए हो रही हैं। इस तरह का जो एक अंध राष्ट्रवाद कश्मीर के नाम पर फैलाया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है हमारी पूरी जमहूरियत के लिए। सिर्फ मामला कश्मीर का नहीं, यहाँ मामला पूरे भारत का है, पूरे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का है और एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग का है। उसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। ये सवाल हमें और आपको जरूर पूछना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि आखिर मीडिया इस तरह का एक काम क्यों कर रहा है जिससे समाज में नफरत फैले, हिंसा फैले, उसका व्हीकल क्यों बन रहा है, वो वाहन क्यों बन रहा है कि देश में अमन शांति फैलने के बजाय इस तरह की दूरियां बढ़ें, दिल और दिमाग में नफरत फैले, आखिर क्यों? इसी पर सवाल उठाते हुए मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि देखिए बुराड़ी दिल्ली में जो 11 लोगों की आत्महत्या हुई, उस पर किस तरह से अभी तक मीडिया में सनसनी फैली हुई है और उस बहाने किस तरह से अंधविश्वास चारों तरफ फैलाया जा रहा है। आज बुराड़ी कांड की 11वीं रात होगी। पुलिस को मिले रजिस्टर के मुताबिक आज की रात बुराड़ी के उसी फांसी घर में आत्माओं की वापसी की तारीख है। वो 11 आत्माएं, रात में आवाज आना, ये तमाम तरह का अंधविश्वास जिसके बारे में बुराड़ी के लोगों का कहना है कि वो तंग आ चुके हैं। इस खबरें बहुत कम आई कि वहां के लोगों ने कहा कि हम टीवी चैनल को नहीं देखना चाहते, ओबी वैन को उन्होंने गली से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही। वहां पे मीडिया दिखा रहा था कि लगातार हवन हो रहा है, लगातार लोग डरे हुए हैं, तमाम तरह के उपकरण कर रहे हैं और वहां पर तमाम बाबाओं को ले जाने लगे, तांत्रिकों को ले जाने लगे। और आज भी डायरी के, खूनी डायरी के पन्ने पलटने में मशगूल है मीडिया। क्या बुराड़ी में आज की रात आत्माएं वापस लौटेंगी? आखिर क्यों? क्या देश में कोई और काम नहीं है? क्या इन 11 मौतों के खिलाफ कोई के अलावा कोई कवरेज नहीं है? नहीं, लेकिन मीडिया चाहता है कि मुख्य मुद्दों से दिमाग हटे और इस तरह का अंधविश्वास समाज में फैले। ये बिल्कुल उल्टी भूमिका में मीडिया पहुंचा हुआ है, जिसपे सोचना बहुत जरूरी है, सवाल उठाना बहुत जरूरी है और हम ये सवाल उठाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले हफ्ते हम तमाम इसी तरह के सवाल, जो हमारे आपके दिमाग के सवाल हैं, हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, इस देश से जुड़े हुए सवाल हैं, इनके साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, सलाम। We are against the death penalty. They pick up these political causes. हिंसा भड़काने के लिए आपको NGC. वाह मोदी जी।